नमस्कार, मैं रिति अधिकारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी थिएटर्स में रिलीज हो गई है और खास बात तो यह है कि पहले दिन ही फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। आलिया भट्ट की फिल्म ने अपने कॉन्सेप्ट से क्रिटिक का दिल तो जीत ही लिया था, साथ ही फिल्म को पहले दिन मिले रिस्पॉन्स से अब ये भी कहा जा सकता है कि ये दर्शकों की उम्मीद पर पूरी तरह से खरी उतरी है। फिल्म ने पहले ही दिन 10 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने मुंबई में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं साउथ की बात करें तो वहां फिल्म अपनी जगह बनाने में थोड़ी सी चूक गई, क्योंकि वहां पहले ही अजीत कुमार और पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार्स की फिल्म धूम मचा रही है। लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए के साउथ ओपनिंग करने वाली आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को भी मात दे दी है। दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने पहले दिन हिंदी बेल्ट में 3 करोड़ 33 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन आलिया की गंगूबाई ने 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पुष्पा को मात दे दी है। कहना गलत नहीं होगा कि आलिया ने बॉलीवुड की लाज बचा ली। बीते काफी टाइम से बॉलीवुड की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। अगर अक्षय के सूर्यवंशी को छोड़ दिया जाए तो किसी ने उतनी कमाई नहीं की जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया ने तो बॉक्स ऑफिस पर आते ही कमाल कर दिया। खास बात तो ये है कि भारत के अलावा आलिया भट्ट की ये फिल्म US और UK में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अगर फिल्म को हिट साबित होना है तो उसे कम से कम 110 करोड़ रुपए अपने पाले में लाने होंगे। बता दें कि फिल्म में लोगों को आलिया भट्ट की एक्टिंग काफी पसंद आई। उनके अलावा फिल्म में अजय देवगन और विजय राज ने भी अहम भूमिका अदा की और उन्होंने भी अपने अभिनय का जलवा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म लगभग 100 करोड़ के बजट पर बनी है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आने वाले दिनों में क्या धमाल मचाती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।